Students, today we will start from this paragraph. What I was not finished. I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. I tried it. I saw the length, up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say.

इस बात में मतलब आश्चर्य था कि इफ़ आई आई स्ट्राइकन अलोन इन द जब भी मैं में अकेला होता था तो डर जो था उसने मुझे स्ट्राइक करने की कोशिश की बीच में मतलब मुझे डर बार बार लगने लगा टेरर मेरे दिमाग में आ जाता था बीच में और मैं इस बात से वंडर्ड था कि मैंने इतने दिनों तक एक्सरसाइज की स्विमिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की और उसके बाद भी कहीं ना कहीं से जो टैरर है वो बीच में आ जाता था जब भी वो पूल में अकेला होता था आई ट्राइड इट फिर मैंने कोशिश की आई सॉम द लेंथ अप एंड डाउन और फिर मैं तैरने लगा लेंथ अप एंड डाउन अप एंड डाउन मतलब बहुत लंबे तक मैं तैरने लगा ओके एंड टाइनी ऑफ द ओल्ड टेरर यानी कुछ अंश अवशेष दुश्म छोटे छोटे से डर जो थे द ओल्ड टेरर यानी पुराने डर वुड रिटर्न वापस आ जाते थे बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टैर अब मैं फ्रॉन मतलब मैं गुस्से में हो जाता था एंड से क्या कहता था टू दैट टेरर उस टेरर को क्या कहता था ट्राइंग टू स्केयर मी है फिर से तुम तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो वेल हेयर इज टू यू अच्छा तो तुम यहां हो लुक देखो एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पोल देखो मैं जाता हूं दूसरे में पूरे दूसरे एंड पर मैं जाता हूं ये कहता है जुलाई ऐसा जुलाई तक चलता रहा बट आई वॉज स्टिल नॉट सेफाइड लेकिन अब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था आई वॉज नॉट श्योर दट ऑल दर है मतलब आई वॉज नॉट श्योर मैं इस बात में श्योर sure नहीं था कि दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट कि मेरा जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है ओके सो आई वेंट टू लैक इसलिए मैं लैक वेंटवर्थ पर गया इन न्यू हेमोस्फेयर न्यू हेमोस्फेयर में मैं कहा गया लेक वेंटवर्थ डाइव ऑफ अ डॉक

आ, ट्रेक्स आइलैंड से लगाकर स्टंप एक्ट आइलैंड तक ठीक है कितना मिली कितने मिल दूरी था टू माइल ये भी याद रखना ये कर लो। <coughs> उसने अपने डर को काबू पाने के लिए कहा गया न्यू हेमस्फेयर में वेन्वर्थ लेक में और फिर उसने डाइव ऑफ किया ट्रिक्स आइलैंड से लगाकर कहा तक स्वयं किया उसने स्विम किया आ, टू माइल्स स्टैंप एक्ट आइलैंड तक ये अंडरलाइन कर लीजिए इनको ठीक है नेक्स्ट आई स्वम द क्रॉल ब्रिस्ट स्ट्रोक मैं मैंने क्रॉलिंग सीख ली रेंगना रेंगने जैसा तैरना ब्रिस्ट स्ट्रोक देना साइड स्ट्रोक लेना और और एंड बैक 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 स्ट्रोक 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 मतलब पीछे की तरफ तैरना ये सब मैंने सीख लिया कौन कौन से क्रॉल स्ट्रोक स्ट्रोक साइड एंड बैक स्ट्रोक सब मैंने सीख लिया फिर से बता रही हूं ये अंडरलाइन कर लेना ऊपर वाली टू लाइन और इसको अच्छी तरह पढ़ लेना नेक्स्ट ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न एक बार लेकिन उसमें भी एक बार टेरर जो था वो वापस आया था वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक कब जब मैं लेक के मिडल में था बीच में था आई पुट माई अंडर एंड बट वाटर जब मैंने अपना चेहरा पानी के नीचे में ले गया तो मुझे क्या दिखाई दिया बॉटमलेस वाटर ओके नथिंग एल्स सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर जो पुराना डर था ओल्ड सेंसेशन मतलब फियर फियर ऑफ वाटर रिटर्न इन मिनिएचर मिनिएचर मतलब छोटे रूप में वापस आ गया आई लव एंड सैड मैं हंसने लगा और मैंने कहा वेल मिस्टर टैर वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो इट फ्लैड एंड सॉन्ग एंड आई सॉ मान यह फ्लैट मतलब चला गया एंड आई स्वाम ऑन और मैं तैरने लगा ओके आई आई हैड डाउट्स एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आईड वेस्ट वेंट अप द टाइटन टू कंट्रोल टू कॉनर्ड मीडर्स अप दर्नर्ड ग्रीक क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर एंड कैम्ड इन द high meadow by the side of one leg. Yet I had residual doubts. हालांकि अभी थोड़े से doubts थे मुझ residual मतलब एक side कुछ doubts रह गए थे At my first opportunity, फिर भी मैंने अपनी पहली opportunity मुझे मिली I hurried west. मैं किस तरफ गया west side में bent up the titan, titan से कोनाड मेडोस तक okay? अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर तक देखो ये नेम्स जो है मैं पेन नहीं ले रही आप पेन लो इनको लर्न करना आपको लर्न करना है एज इट इज और लिख के आना है क्योंकि बहुत नेसेसरी है अगर ये नेम्स गलत हो गए तो आपकी मार्किंग कम हो जाएगी और जिनको पर्सनली अपना हंड्रेड मार्क्स की तैयारी करनी होती है वो एक भी चीज नहीं छोड़ते हैं वो एक भी स्पेलिंग और एक भी चीज को मिस्टेक नहीं करते हैं आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा ठीक है भाई तो ये वर्ड्स आप लर्न करना इनमें से छोटे क्वेश्चन अभी बनाती हूँ देखिए एंड द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म और कहां तक मैं पहुंचा हाई मेडो बाई द साइड ऑफ बार्म के पास में थे द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव इन टू दॉस टू दोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर फॉरन यूज टू डो और अगली सुबह जब मैं जागा तो मैंने क्या किया आई स्ट्रेप इन टू द लेक मैं डाइव um, किया लेक के अंदर झील के अंदर एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर और तैरता हुआ अदर शोर पर पहुंच गया एंड बैक जस्ट डॉग कॉर्पन यूज टू डू जैसा कि डॉग का uh, ने किया था ये बहुत बड़े स्विमर थे आई शाउट एड वॉय मैं जॉय से चिल्लाने लगा एंड गिलवर्ड पीक रिटर्न द इको और वहां पर गिलवर्ड पीक थी जिससे कि टकराकर आवाज वापस आ रही थी इको मतलब गूंज रही थी आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वॉटर मैंने विजय प्राप्त कर ली किस पर फियर ऑफ वॉटर पर द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर मी एक्सपीरियंस का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था

conquer कर सकते हैं उस पर विजय हासिल कर सकते हैं can appreciate उसकी वो एप्रिसिएशन होती है या उनको एप्रिशिएट किया जा सकता है in death there is peace और उसके बाद कहते हैं कि डेथ जो है उसमें शांति है देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ टेरर किसमें है केवल फियर ऑफ डेथ में यानी देखो जो डेथ है ना उसके उसके उसे के लिए हम डेथ मतलब डरते हैं तभी तक डर है जब तक डेथ नहीं होती और डेथ क्या होती है पीस है शांति हो जाती है डेथ के बाद एज रूस ने न्यू जैसा कि रूस वेल्ट जानते थे वैन ही सैड जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर है और फियर इट्स सेल्फ और फियर uh, जो है वह खुद भी बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस वो सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समाव ग्रीव इन इंटेंसिटी बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बहुत क्योंकि मुझे दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है द सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने का डर मतलब मरने के करीब होना एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट और इसका डर होना कैन प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है द विल टू लिव जीने की चाह जीने की इच्छा सम हाउ ग्रिव इन इंटेंसिटी और जो कि किसी न किसी तरह से हमारे अंदर ग्रिव करती है हमारी हमारे व्यक्तित्व पर छाई रहती है अब कहने का सेंस ये है वो ये कहना चाहते हैं रूजवेल जी कि जो जीने का जो चाह है वो हमारे अंदर छाई रहती है हमारे अंदर ग्रो करती है हम पर पूरी तरह से छाई रहती है इसीलिए हमें डर लगता है मरने से और मरने के करीब जाकर भी हम अगर डर से जीत कर वापस आ जाते हैं तो यह हमारी सच्ची जीत कहलाती है एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम दीक्स एंड टू ब्रियर और अंत में पीक्स और ट्रेल्स मतलब पथ पर ओके okay, या लाइन्स पर एंड क्लाइम द पीक्स और चोटी पर चढ़ना पहाड़ों के एंड टू ब्र साइड फेयर और अपने डर को एक साइड रख देना ठीक है तो इस तरीके से डर जो है उस पर विजय प्राप्त करी जा सकती है डगलस ने ये इस स्टोरी में बताया है। अब इसमें से क्वेश्चन तक लिखवा दिए थे कौन सा पैराग्राफ रह गया था बताओ जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा पैराग्राफ रह गया था शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्योंकि हर एक में तो लिखेंगे नहीं हर एक में तो निकलेंगे नहीं कहां तक लिखा दिए थे कौन से पैराग्राफ तक हो गया था जल्दी बोलिए कनिका ज्योग्राफी की क्लास नहीं आई अभी तुम्हारी ये तो याद रहता है जल्दी बताइए कहां तक आपका हुआ अरे मैम मैंने कल क्लास नहीं ली थी नहीं मैं जो आपको बता रही हूँ मैं पूछ रही हूँ जल्दी से बत, बताइए मुझे मैम कल आपने आंसर लिखवा क्वेश्चंस लिखवाए थे क्या मैम पेज नंबर 28 वाले सेकंड पैराग्राफ तक हो गया था